वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग नेट एग्जामिनेशन, दैट इज आईसीआर एआरएस नेट। फाइनली आईसीआर एआरएस नेट हैज नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज्ड। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईसीआर एआरएस जो नेट का एग्जाम्स कंडक्ट कराता है उसके लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है, एज वेल एज जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं वो क्या है, और किस कौन कौन से डिसिप्लिन के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सिमिलरली जिस तरीके से सीएसआईआर का एग्जामिनेशन होता है नेट के सर्टिफिकेट्स के लिए, उसी तरीके से एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो एग्जाम्स कंडक्ट कराता है आईसीआर के अंडर में नेट के सर्टिफिकेट्स के लिए। और जितने भी ऑल ओवर इंडिया की जितनी डिफरेंट स्टेट्स में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उन यूनिवर्सिटीज़ में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाले नेट के सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आईसीआर का जो नेट है वो इक्विवेलेंट होता है एज कम्पेयर टू द आईसीएमआर आईसीआर इन द फॉर्म ऑफ सिमिलरिटीज, लाइक एज कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई जेआरएफ का प्रोसीजर्स नहीं होता, यहाँ पे कोई फेलोशिप आपको नहीं मिलती है। इस सर्टिफिकेट से आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ की क्या क्या इसका डिटेल्स है। तो यहाँ पे फॉर्म रिलीज किया गया है कंबाइंड तरीके से। यहाँ पे एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए है, मीन्स नेट के एग्जाम्स के लिए है, एज वेल एज सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए है और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए भी है। तो ये दो पोस्ट आपके रिक्रूटमेंट के लिए है, जबकि पहला वाला जो पोस्ट है वो सर्टिफिकेट के लिए है। सो इम्पॉर्टेंट डेट्स में आपका यहाँ पे है कि फॉर्म का जो ऑनलाइन सेक्शन जो ओपन होगा वो 22 मार्च से स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं तो 22 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके लिए लास्ट जो डेट है वो आपकी 10 अप्रैल है। तो लगभग 20 से 25 दिन का के आसपास का रहेगा टाइम ड्यूरेशन फॉर्म भरने के लिए। और सेंटर ऑल ओवर इंडिया में कहाँ कहाँ पे होगा ये एग्ज़ाम्स, आपका ऑनलाइन मोड में होगा। अभी सेंटर के बारे में देख लेंगे हम लोग कि कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम्स के लिए सेंटर रहेंगे। और एप्लीकेशन जो फ़ी है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है अगर आप नेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ एसएमएस के लिए सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए करना चाहते हैं तो 500 है, और एसटीओ के लिए भी करना चाहते हैं तो 500 है। और इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शंस मीन्स ईडब्ल्यूएस वाले हैं या ओबीसी कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 500 है, और शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाले या जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए नेट के एग्जाम्स के लिए 250 रुपये है, बाकी एग्जाम्स के लिए कोई फी नहीं है, फी से एग्जेम्प्टेड है। ओके सो यहाँ अप्लाई करने के लिए सिंपल है, इनका वेबसाइट यहाँ पे दे रखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे पोर्टल ओपन हो जाएगा और आप अपना वहाँ पे जो भी प्रोटोकॉल जिस तरीके से दिया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, फिर बाकी आपके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, ये सब चीज़ वहाँ पे आपको अपलोड करनी रहेगी। और सिमिलरली वैसे ही जैसे बाकी आप ऑनलाइन के फॉर्म्स फिल करते हैं उस तरीके से आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को दे रखे हैं, कोई भी सॉफ्ट कॉपी का आपको प्रिंट निकाल करके भेजने की जरूरत नहीं है, सारा चीज़ आपका ऑनलाइन पोर्टल पर रहेगा, मीन्स ऑनलाइन मोड पे भरे जाएंगे। और क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए ये सारा आपको यहाँ पे दे रखा है, और आप उसको पढ़ करके अच्छे से फॉर्म को पुनः फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सेंटर दे रखा है कि कहाँ कहाँ पे सेंटर होंगे वो सीबीटी मोड के एग्जाम्स के लिए, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड वाले के लिए ऑनलाइन के लिए। तो काफ़ी लगभग सारे ही जगह पे है आपका, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में अपना आप ऑप्शन चूज कर लीजिए, और उस तरीके से सबको सेंटर यहाँ पे दे रखा है नेट के एग्जाम्स के लिए। तो नियरली जितने भी आपके स्टेट्स के अच्छे अच्छे सिटीज़ हैं उन सारे सिटीज़ में इसका सेंटर अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे मैं यूपी की बात करूँ तो यहाँ वाराणसी में भी सेंटर आपका अवेलेबल है, तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे वाराणसी से बिलोंग करते हैं अपना सेंटर यहाँ डाल सकते हैं। सो आपके रेस्पेक्टिव जो सिटीज़ हैं उनके नियर बाई में आपका सेंटर वहाँ पे दे रखा है, अपने अकॉर्डिंग आपकी जो भी आपको पीसी है वहाँ से आप देख करके उसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं आपको इस नेट एग्जामिनेशन के लिए। सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो एज लिमिट है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि 21 ईयर का आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, आप किसी भी एज में हो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आपकी मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 21 ईयर है, आपका मास्टर डिग्री कम्प्लीट होना चाहिए, और अगर अभी कंप्लीट आपका नहीं हुआ है, आप लास्ट ईयर के अपेयरिंग में हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट एग्जामिनेशन के 6 मंथ के बाद आपको सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ के रूप में देना पड़ेगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यहाँ पे दे रखा है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपने 4 बार 6 बार अगर पहले भी आप दे चुके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट को लेकर के, कि आपने 4 बार किया तो आप नेक्स्ट टाइम पे नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जो सिलेबस है वो सारा इनके पोर्टल पे यहाँ पे दे रखा है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सब्जेक्ट वाइज सारे जो सिलेबस है वो दिख जाएंगे आपको। तो आपका जो भी कंसर्न सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं।
क्वालिफिकेशंस के लिए यहाँ पे दे रखा है कि आपका डिग्री, आपके पास मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपके उस सब्जेक्ट में, या उसके इक्विवेलेंट जो सब्जेक्ट है रिलेवेंट उसमें कंप्लीट होना चाहिए। और क्या क्या सब्जेक्ट होगा उसके लिए, क्या रिलेवेंसी सब्जेक्ट होंगी आपको नीचे भी दिख जाएगा। फी के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है जनरल कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है, बाकी ओबीसी के लिए 500 है और शेड्यूल कास्ट के लिए 250 रुपये है। और इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इनका जो एग्ज़ाम जो होगा नेट का, उनके लिए पहले से ही डिसाइड किए गए हैं परसेंटेज फॉर द क्वालिफिकेशंस। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा जो भी आपका पेपर्स होगा। और वो जो पेपर आपके होंगे वो 2 आवर्स के होंगे, 150 क्वेश्चंस होगा और 150 मार्क्स का भी होगा। तो 150 मार्क्स का आपको 50% क्या करना पड़ेगा, स्कोर करना पड़ेगा इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी मीन जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45 करना पड़ेगा, और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 40% स्कोर करना पड़ेगा। तो 150 मार्क्स का पूरा पेपर आपका होगा 2 घंटे का, और इसका 50% अगर आपने स्कोर कर लिया मीन्स मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आपको नेट के सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाएंगे। ये ऑलरेडी पहले से इनका डिसाइडेड है कि जितने भी कैंडिडेट्स अपियर होंगे अपने सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में अगर आपने 50% स्कोर कर लिया हुआ है तो आप किसी भी कैटेगरी में आपको क्वालिफाई का सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। और इनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो डिजी लॉकर में आते हैं, कोई भी आपका ऐसे हार्ड कॉपी भेजने का प्रोविजन नहीं होता है। आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट होना चाहिए, आप वहां से अपनी इस सर्टिफिकेट को एक्सेस कर पाएंगे आसानी से रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद। यहाँ पर आपको दे रखा है कि डिसिप्लिन जो है और उसके लिए जो क्वालिफिकेशंस के लिए जो रिलेवेंट जो सब्जेक्ट है उनके लिए दे रखा है। जैसे लाइक यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर की बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, अगर आपको सर्टिफिकेट एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में चाहिए नेट का, तो उसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री किस में होनी चाहिए, या तो एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, मॉलिकुलर बायोलॉजी में होनी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, बॉटनी में होना चाहिए, या लाइफ साइंस में होना चाहिए, प्लांट फिजियोलॉजी में होना चाहिए, या फिर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए। तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो आप एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उस पर एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी नेट के नाम से मिलेगा। तो ऐसे ही बाकी सारे आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखे हैं और उनके डिसिप्लिन दे रखा है और उनके रिलेवेंस जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपको दे रखी है। जैसे यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की हम लोग बात करें तो मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी, इन तीनों में से किसी में भी अगर आपकी मास्टर की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इस वाले सब्जेक्ट के अंदर में। तो आप अपने अपने एमएससी की जो मास्टर्स डिग्री की जो आपकी डिग्री है उसको देखिए और अपने अपने सब्जेक्ट का रिलेवेंसी यहाँ पे सर्च कर लीजिए और उस वाले डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्टली जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स के अलाइड जो ब्रांचेज होते हैं उन सब ब्रांचेज में आपका यहाँ पे एग्जाम ही कराया जाता है। बहुत सारे ब्रांचेज यहाँ पे आपको दे रखे हैं, तो होपफुली आपका मास्टर डिग्री किसी भी फील्ड में होगा या फिर यहाँ पे मैच कर जाएगा। जो लोग जो कैंडिडेट्स बायोटेक्नोलॉजी के हैं वो लोग इस वाले फॉर्म में भर सकते हैं, इस वाले पोस्ट में एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी वाले में, एज वेल एज एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में भी वो लोग एलिजिबल हैं। तो आप अपने अपने सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं और उसके बेसिस पे अपने उस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट दे दिया गया है उसके लिए क्वालिफिकेशन जो कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के लिए था, तो इसके लिए हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। तो ये आपके कुछ नोटिफिकेशंस थी रिगार्डिंग आईसीआर एआरएस नेट के लिए। तो आईसीआर मींस एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का या एग्रीकल्चर का, ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है आईसीआर नेट के नाम से। और एआरएस उसमें एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है, एग्रीकल्चर रिक्रूटमेंट साइंटिस्ट बोर्ड, और एएसआरबी के नाम से जाना जाता है, वो एग्ज़ाम कराता है आपका इस नेट का। और इस नेट के सर्टिफिकेट के बाद आप आसानी से किसी भी स्टेट और किसी भी स्टेट में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट आती है उसके उसके पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और इस नेट के बेसिस पे आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती है, जेआरएफ का सर्टिफिकेट नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ नेट का सर्टिफिकेट देता है। इनका एग्जाम्स बहुत इजी होता है, 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और जिस तरीके से सीएसआईआर में आपका पार्ट बी का सेक्शन होता है, या अगर आपने कभी पीजीटी का एग्ज़ाम दे रखा है या नेट नीट का एग्ज़ाम दे रखा है तो उनके जैसे क्वेश्चन फैक्ट वाले आते हैं, इनका एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं होता। और अच्छी बात यह है कि सारा का सारा जो क्वेश्चंस होगा वो सब्जेक्ट से ही होता है, कोई यहाँ पे एप्टीट्यूड या जीएस इस तरीके का नहीं होता। तो ये एग्ज़ाम्स उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा होता है जो लोग वो नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके पास नेट का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है किसी भी कारण से और नेट वो चाहते हैं, तो
उनके लिए एग्ज़ाम अच्छा है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 22 मार्च से आपका ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा और होपफुली अप्रैल मई के आसपास में इनका एग्ज़ाम्स भी होता है, तो वो जल्दी एग्ज़ाम्स करा करके आपको दे देते हैं। और अच्छी बात यह है कि पहले से ही परसेंटेज डिसाइड है कि अगर आपको इतना स्कोर कर लेना है, और नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग होता है यहाँ पे, तो आपको 150 क्वेश्चंस में से उतने ही क्वेश्चंस करने हैं जिससे कि आपका जो क्वालिफाई मार्क्स है वो स्कोर हो जाए, और बाकी आपको ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।